नए वर्ष के पहले दिन ही शहर में वारदातों का सिलसिला शुरू हुआ। कलमना थाना क्षेत्र में रहने वाले अर्पिल चौरसिया पर उन्हीं के बार में कुछ आरोपियों ने जानलेवा हमला कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सदर पुलिस थाना क्षेत्र के अशोक चौक पर सुविधा बार एंड रेस्टोरेंट है, इसका मालिक अर्पित है। 1 तारीख को आरोपी हिमांशु कनौजिया अपने दोस्तों के साथ ही बार में आया। शराब पीने के बाद जब अर्पित ने बिल की बात की तो पैसे को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। इसके बाद हिमांशु और उसके बाकी दोस्तों ने अर्पित पर जानलेवा हमला कर उसे गंभीर जख्मी कर दिया, भाग गए। इस मामले में पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये कल की घटना है, 9:15 बजे रात को, करीब 9:15 बजे ये पिन्नी उर्फ हिमांशु कनौजिया नाम का आरोपी अपने दोस्त के साथ में सुविधा बार है सदर रोड पे, वहाँ गया और मालक को उसने मुफ्त में दारू पीने को मांगा, 2 बॉटल। तो मालक बोले भाई पैसे तो लगेंगे, तो पैसे देने के बजाय तेरे को तेरी आतड़ी निकाल के देता हूँ, इस प्रकार से उसको बोल के वो चाकू से धमकाया और थोड़ा वार भी किया, पर वो नसीब से उसने वार को हाथ से पकड़ा मालक ने, इसलिए वो ज़्यादा इंजर्ड नहीं हुआ। उसके ऊपर हमने 307 के तहत मामला दर्ज किया है। इस प्रकार की कोई भी ऐसे क्रिमिनल्स की कोई भी दादागिरी किसी भी प्रकार में सहन नहीं की जाएंगी, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएंगी, इसलिए हमने उसमें ऑफेंस रजिस्टर करके कार्रवाई की।